आज मैं बादाम का हलवा की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे आप व्रत के दिनों में तो बना ही सकते हैं और ठंड के मौसम में भी इसे बनाकर खा सकते हैं। ठंड के मौसम में इसे बनाकर खाने से ये हमारे बॉडी को गर्म रखता है और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसके लिए 3/4 कप लगभग 200 ग्राम के करीब बादाम लेंगे। यहाँ पर हमें बादाम फ्रेश ही लेना है। इसे हमें पानी में 7 से 8 घंटे या फिर रात भर भिंगो कर रखना है। रात भर इसे पानी में भिंगो लेने के बाद सुबह इसका पानी निकाल दें और इसका छिलका निकाल दें। आधा कप के करीब मिक्स ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जैसे कि बादाम, पिस्ता और काजू। इसे हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। साथ में आधा कप गर्म किया हुआ दूध लेंगे, जिसमें मैंने 8 से 10 केसर के धागे को ऐड किया है। अब ग्राइंडर जार में सूख किया हुआ बादाम और आधा कप के करीब पानी ऐड करके इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। ध्यान रखें, हमें इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, सिर्फ आधा कप के करीब ही पानी ऐड करें। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें आधा कप के करीब घी ऐड करें। घी अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद गैस का फ्लेम लो पर रख देना है। अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के पीसेस को ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम लो पर रखकर इसे हल्का सा भून लेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा क्रंची हो जाए। 1 मिनट भून लेने के बाद इसे बोल में निकाल ले। अब उसी कढ़ाई में बादाम वाला पेस्ट को ऐड करेंगे। ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से इसे सेक करके इसमें ऐड कर दे। ध्यान रखें, यहाँ पर हमें फ्लैटर की हेल्प से लगातार चलाते रहना है, जिससे कि ये पैन में स्टिक ना हो। बादाम पैन में जाते ही जल्दी से स्टिक होने लगता है, इसलिए यहाँ पर आप लगातार चम्मच चलाते रहें। चार से 5 मिनट तक बादाम के अंदर जो पानी है उसको हमें सुखाना है। गैस का फ्लेम मीडियम पर ही रखना है। इसके अंदर के पानी को थोड़ा सा ड्राई हो जाने के बाद इसमें 2 टीस्पून के करीब घी ऐड करें। घी ऐड करने के बाद इसे 2 मिनट और भून लेना है। दो मिनट इसे भून लेने के बाद इसमें आधा कप के करीब पिसा हुआ चीनी ऐड करेंगे। दो मिनट गैस का फ्लेम मीडियम पर रखकर चीनी पिघलने तक इसे मिक्स करते रहना है। साथ में इसमें 1/4 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर ऐड करें। इलायची पाउडर से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चीनी यहाँ पर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और बैटर की कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी थिक हो गई है। अगर आप इसे ठंड के मौसम में खाने के लिए बना रहे हैं, तो फिर इस स्टेज पर ही गैस का फ्लेम ऑफ कर दें।
और इसे ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप इसे 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। अब इसमें आधा कप के करीब केसर वाला दूध ऐड करेंगे। दूध यहाँ पर इसलिए ऐड करेंगे ताकि बैटर थोड़ा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखकर इसे 2 मिनट मिक्स कर लेना है। दो मिनट मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दे। उसके बाद इसे बोल में निकाल ले। ऊपर से फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स को स्प्रिंकल करके सर्व करें। इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राई करें, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।